जम्मो दर्शक मन ला प्रियंका कौशिक के जय जोहार। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36 जेम आप मन के स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम हमर बहुनामा। हमर पहुना कार्यक्रम में हमन आप मन ले मिलवाथन ऐसे मन के मंदिर जिन मन छत्तीसगढ़ में समाज में और छत्तीसगढ़ में एक अच्छा काम करके समाज में एक अलग पहचान बना है। तो आज के हमर इसने पहुना है वह डॉक्टर रामनिवास साहू जी जिन हाँ छत्तीसगढ़ में साहित्यकार के रूप में और छत्तीसगढ़ के जिन नंदाद भाषा है वह तेखर विकास पर काम कर रहे थे। और एक साथ में ही आज हमारे साथ है वह डॉक्टर रमेश कुमार गोहे सर जी जिन हवा छत्तीसगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास में सहायक प्राध्यापक है हिंदी विभाग के। तो आवा सीधा चलथन और बात करथन। जय जोहार। जय जोहार। तो साहू जी आप मन हवा छत्तीसगढ़ के साहित्यकार के रूप में हवा आज हमारे सामने। तो आप मन हाँ साहित्यकार के रूप में हवा तो आप मन अपन शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बतावा। मोर जन्म हरीश कोरबा जिला के कोरबी गाँव में 21 फरवरी 1954 में। और बचपन से ही है पढ़ाई लिखाई में रुचि जागी, लेकिन पढ़ाई के शुरू प्राइमरी स्कूल आदिम जाति कल्याण विभाग कोरबी में हुई, मिडिल स्कूल भी आदिम जाति कल्याण विभाग कोरबी से हुई। बाद में हाई स्कूल करे खातिर मैं अकलतरा आए। अकलतरा के बाद एक साल पढ़े के बाद फिर मैं जांजगीर चल दें वहाँ पर 10वीं और 11वीं के पढ़ाई करें। और तभी वहाँ पर एक से एक साहित्यकार रहीस हैं ओमन के संगत में आकर के महूला लिखे के मन करीस वहाँ कवि सम्मेलन देखें तो कवि सम्मेलन में भी पढ़े का मौका मिलीस। तो जांजगीर हर एकर प्रेरणा केंद्र काबर की वहाँ पर लिखवैया पढ़वैया और कवि वाचन करने वाले बहुत आदमी हैं। तो ओमन से प्रेरणा मिलीस ओमन के संगति मिलीस तभी लिखना शुरू हो गई। बाद में कॉलेज करे खातिर मैं कोरबा चलते हैं तो कोरबा के जो कॉलेज के पत्रिका है वो पत्रिका में लिखे ला मौका मिलिस लिखे प्रकाशित हुई। लेकिन वहाँ ला हमारे जो गुरु से बी एल साहू जी हिंदी के प्राध्यापक ओहर कहीं से अभी लिखो अभी झल लिख अभी पढ़ाई कर तब से मैं पढ़ना शुरू कर दे। पढ़ते पढ़ते में फिर पिताजी के भी प्रेरणा रही वो कर करने तोर काम है पढ़ना तय पढ़ाई कर और उकर पढ़ाई कर कहे है इतना अंदर तक समा गई कि फिर मैं पढ़ाई करत दें। और पढ़ाई करत करत में रायपुर चले आए। रायपुर से रविशंकर विश्वविद्यालय में भाषा विभाग में एमए करें एमए टॉप कर गए तो पीएचडी करे ला स्कॉलरशिप मिलीस तो पीएचडी हलो होगी। और पीएचडी करे के बाद फिर बेरोजगारी के समय ला मैं दिल्ली चल दें। दिल्ली जा करके वहाँ प्रकाशक मन के साथ में प्रकाशन मन के घर में मतलब प्रकाशन समूह में काम करे तो मन सभी जगह मन के काम पे घुमाना है। हाँ, तो सब पूरा देश घूमे ला अवसर मिलिस। हाँ, तो पूरे 4-5 साल तक बेरोजगारी के दिन में मैं पूरा देश घूमते रहे। अच्छा। बाद में सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर गुजरात में बोला रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम करे का अवसर मिलिस। तो काम में ज़्यादा मजा नहीं है तो फिर मैं कर्नाटका चल दें। कर्नाटका में एक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के स्नातकोत्तर केंद्र है उच्च शिक्षा और शोध संस्थान वो मैं लेक्चरर के रूप में काम करें और लेक्चरर के रूप में काम करते करते और बहुत बहुत लिखाई पढ़ाई हुई। बहुत लिखते पढ़ते में फिर है बाद में फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान के विज्ञापन निकलीस तो यहाँ विज्ञापन यहाँ ला आवेदन करें एप्लीकेशन दें तो यहाँ सेलेक्शन होगी। तो 2003 से और अपन उम्र के 49वें साल में याद करता हूँ। हाँ। तो 49वें साल में मैं भारत सरकार के सर्विस में आ गए। हाँ। वहाँ 10 साल हैदराबाद केंद्र में काम करें तो उसके बाद फिर 3 साल के लिए दिमापुर नागालैंड में काम करें वहाँ ले फिर ट्रांसफर होगी स्थानांतरण होगी। हाँ। मैसूर में भी क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी मैं काम कर रहा था। हाँ। और दक्षिण में जो हिंदी जानते हैं वो सभी बोला जानते हैं। अच्छा। अब हिंदी में तो सभी काम करने वाले हैं हजारों लेखक हजारों कवि हजारों सब प्रकाशक तो एमन के बीच में रह खातिर मोला याद आई कि मोला कहाँ लिखना चाहिए। हाँ। तो उसे फिर मैं वहाँ सोचे तो मोले छत्तीसगढ़िया ले बेहतर छत्तीसगढ़िया ले पहचान है तो छत्तीसगढ़ी भाषा ले बेहतर अच्छा और कौन भाषा हो सकते तो छत्तीसगढ़ी भाषा पर मैं सोचना शुरू करें लिखे का प्रवृत्ति तो रही से। हाँ। तो हिंदी में उतना ज़्यादा लिखे बहुत लिखे लेकिन कोई ज़्यादा पहचान नहीं बन पाए लेकिन हिंदी छत्तीसगढ़ी में जब लिखें। हाँ। तो पहले तो मैं है कि एति के बात एति के समाज एति के जात व्यवस्था घर व्यवस्था गाँव व्यवस्था एक जानकारी कोनों नहीं है। हाँ। तो बोलते हैं कि ये कौशल्या जी के मई का क्षेत्र है
श्री राम जी के मामा घर क्षेत्र है और यहाँ के बारे से कुछ जाना नहीं, तो आप इन्हें के बारे से लिखो, ऐसे कई जन बोला कहीं दिल्ली के आदमी मन, तो मैं यहाँ के बारे से लिखना शुरू करें तो मुझे कुछ कहना है, ये प्रथम भाग प्रकाशित हुई तो सभी बहुत पसंद करे, बहुत मजा आई समझ लग, और सभी कोई कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया विमर्श, वनवासी विमर्श, आदिम विमर्श, शिक्षा विमर्श, नारी विमर्श, और कहनी थी विधवा, सब प्रकार के विमर्श की झलक इसे सूत्र दिखाई दी। तो एक डॉक्टर गोपाल शर्मा है, वो दक्षिण अफ्रीका में हिंदी के प्रोफेसर है, भाषा विज्ञान के प्रोफेसर, ओकर हाथ में लग गई से किताब, वो 7 दिन तक ऐसा घोल मिल गई, ऐसे घोल मिल गई, 7 दिन तक वो पढ़े, घर के काम, घर में खाना पीना छोड़ दी, घर के काम करे खाती आए, घर के काम छोड़ दी, और 7 दिन तक यही पढ़ते रहे, और पढ़ते पढ़ते वो 17 पेज की समीक्षा वो लिखी, तो बड़ा बोला और फिर प्रेरणा मिली। फिर बाद में देखे मुझे कुछ कहना है, मैं तो सभी जगह पढ़ता रही है, तो बड़का दही ला देखे तो बहुत जबरदस्त होकर चरित्र वहाँ नजर आई, और होकर संघर्ष गाथा ला जब मैं देखना चाहें तो मोला तो मतलब विधवा, एक विधवा नारी छत्तीसगढ़ के गांव में कितना संघर्ष करी, 3-3 गोटियां सामने, 3-3 सेठ सामने, और अड़ोसी पड़ोसी के घलो मन मतलब कर संपत्ति ला लूटे खातिर, ओकर खेत खार ला लूटे खातिर, ओकर घर ला लूटे खातिर, सब उतियाई बने तैयार बैठे ये विधवा का करे, लेकिन वो अपन बस से अपन जो है लुगड़ा ला खोचिस, और सब सब करा संघर्ष करे खातिर तैयार हो गई, और बहुत संघर्ष करी, तो मोला फिर अब बाद में हमन स्कूल में पढ़े रहे, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, तो वो चरित्र रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र में बिल्कुल गांव के रानी लक्ष्मीबाई की तरह मोला नजर आई, तो फिर मैं ऊपर चरित्र लिखे, तो एक उपन्यास दर्शन बन गई, और ये उपन्यास अभी जेकर हाथ में जाते सब पढ़ाई करते हैं, और मैं एक जन है वहाँ चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, बोला कौन बताइस, तो बोले मैं इस पर एमफिल करूँ, तो एमफिल करे खातिर एमफिल करी, 16 फर्स्ट क्लास डिग्री मिली, अब अगर वो इतना बढ़िया लिखे हैं कर बारे से, तो मैं लोग कहें प्रकाशित कर ले, तो कानपुर से प्रकाशित होते बड़का दाई वीरांगना की कसौटी पर, ये टाइटल है, और अभी यही महीना छप जाए, यही महीना वो जनता के हाथ में आ जाएगी, और एकर है कि फिर एक रायपुर में वैभव प्रकाशन है, वैभव प्रकाशन वाला देखिए बोले क्या आधा छत्तीसगढ़ी आधा हिंदी, तो बोले पूरा छत्तीसगढ़ी कर दीजिए, बोले नहीं मैं नहीं करूँ, तो कोई दूसरा लेकर आवा, तो एक गीता शर्मा नाम के एक है लेखिका है वहाँ रायपुर में, वो हर एक छत्तीसगढ़ी में अभी है अनुवाद करी से, और वही एक महीना प्रकाशित हो जाएगी, नाम यही है बड़का दाई, और ये महीना प्रकाशित हो जाए, इस तरह से ये साल मतलब है कि ये साल 4 किताब अभी छप के आने वाला है महीना में, और 28 फरवरी से पहले आ जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगी से सर आप मन तिर बात करके, और गोहे जी आप मन कुछ बतावा कि आप मन एक समीक्षक के रूप में आज हमारे सामने हवा, तो ये समीक्षा का होते, मतलब समीक्षा करना का होते। नमस्कार, पहले तो आपने पूछा है कि समीक्षा क्या होती है या समीक्षक का क्या काम होता है। तो जो भी रचनाएं साहित्य जगत में आती हैं, और अगर साहित्य जगत को देखा जाए तो ये विराट है, इस बहुत बड़े स्तर पर साहित्य पूरी दुनिया में लिखा जा रहा है। साहित्य में कोई भी रचनाएं जब आती है तो समीक्षक का एक बड़ा दायित्व हो जाता है कि उसमें जो लिखे गए मूल्य हैं और उसमें जो युगीन परिस्थितियां हैं और जो युगीन प्रवृत्तियां हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए साहित्यकार ने उन युगीन परिस्थितियों के साथ में क्या न्याय किया है, क्या वो युग का इतिहास साहित्य में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोई भी रचना जब साहित्य में आती है तो समीक्षक का काम होता है कि उन रचना के गुण और दोष की विवेचना करके उसको साहित्य जगत में लाना और उसको उसके बारे में सही सही बात बताना। तो एक समीक्षक का काम एक रचना का सही मूल्यांकन करना, समीक्षक को आलोचक भी कहा जाता है, लेकिन आलोचक का जो भावार्थ है वो थोड़ा दूसरी तरह से भी लिया जाता है, इसलिए समीक्षक कहना ज़्यादा उचित होगा, जो गुण और दोष की विवेचना करता है किसी भी साहित्य की और उसको साहित्य जगत में एक अच्छी या बुरी जैसे भी रचना हो उसके रूप में उसकी सही पहचान कराना समीक्षक का काम है। तो मेरा जो विशेषज्ञता है मेरी वो आलोचना के क्षेत्र में है, इसलिए मैंने इनका जो उपन्यास है बड़का दाई इस पर अभी नई समीक्षा लिखी है, जो लगभग 22 से 25 पेज की समीक्षा है, क्योंकि इनका ये उपन्यास
छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेकर के भाषा संस्कृति समाज और जैसे हम देखते हैं कि कबीलाई सभ्यता से समाज का जैसे कि विकास होता है हाँ। तो बड़का दाई ये उनका ये जो उपन्यास है इसमें विधिवत तरीके से जैसे सभ्यता वन ग्राम सभ्यता से जैसे इनका पहला ही शीर्षक इसमें बनगवा राज अच्छा। तो इन्होंने लिखा है कि बनगवा राज जो है वहाँ पर अकाल कभी नहीं पड़ सकता क्योंकि बारिश एक दो साल नहीं होगी लेकिन जो वन की जो फसलें हैं जैसे महुआ है पीपल है बेड़ा है आंवला है और भी बहुत सारी फसलें हैं चार तेंदू ऐसी जो फसलें हैं जिनको खा करके हम लोग जिंदा रह सकते हैं हाँ। तो उन्होंने इसको समृद्ध तरीके से जैसे कि इसको दंडकारण्य या अरण्य वन क्षेत्र या कौशल प्रदेश के नाम से जो सभ्यता परिचित है पूरे इतिहास में और यहाँ वनगवा राज में जैसे कि वनवासी संस्कृति का जो शासन है हाँ। जैसे इसको गोंडवाना लैंड भी हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर भी वन का जो राज है हाँ। वो समृद्ध राज है तो इस तरह से उपन्यास छत्तीसगढ़ की अस्मिता और जैसे कि शीर्षक से बड़का दाई ये है हाँ। तो ये सीधे सीधे तौर पर तो एक प्रत्यक्ष शीर्षक इसमें एक जो विधवा पिशोधीन जो है बड़का दाई उस पर ये उपन्यास केंद्रित है लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो धरती है वह भी एक बड़कादाई है उसको लेकर के भी पूरा आधा उपन्यास छत्तीसगढ़ की भूमि यहाँ की वन संपदा यहाँ की संस्कृति यहाँ का समाज यहाँ की परिस्थितियाँ यहाँ की और तमाम चीज़ें जिनको हम मूल्य कहते हैं वो सब इस उपन्यास में निहित है तो आगे भी इस पर फिर बात होगी जैसा हाँ बहुत अच्छा लगी से अपन के ये उपन्यास के बारे में सुन के बड़का दाई मतलब नाम से ही समझ में आते कि बहुत बड़े काम के बारे में लिखा है वही उमा तो एक बारे में हम आगे आओ चर्चा करबो तो ये लग अभी छोटे से ब्रेक पर रुको अभी हम हवा तो ब्रेक के बाद कहीं जन जहाँ देखा रही न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़ आप मन के स्वागत है हमर पहुना कार्यक्रम में और हमर पहुना कार्यक्रम में हम बात करत रहे हवन साहित्य के बारे में तो आप फिर से जानता हूँ साहित्य के बारे में कि का का आज हमारे लिए है साहित्य में जाने पर तो सर जैसे कि आप मन बताया है कि आप बहुत कर रचना कर रहे हैं साहित्य में तो अभी वर्तमान में आप मन के कौन कौन सा रचना अभी प्रकाशित हो रहे अभी एक डेढ़ साल पहले हाँ। ये रचना निकली से मुझे कुछ कहना है एमा अपन बचपन से लेकर के मतलब पांचवी कक्षा तक की बात लिखे गए हैं और छत्तीसगढ़ी में दो शब्द है हाँ। एक तो पंदोलना हाँ। और दूसरा उतियाइल तो मोर प्रवृत्ति उतियाइल टाइप करे से अपन आप से कुछ ना कुछ नया नया करना कुछ ना कुछ करना दूसरों से हट करके कोई हाँ। प्रवृत्ति के चलते कुछ हट के करना तो साहित्य कार्य इतना अच्छा कार्य है इतना ऊंचा कार्य है इतना मजेदार कार्य है वो बात के समझ में जब आई मुला तो मैं साहित्य रचना शुरू कर दें तो बस एक डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा हवाए मेरठ के रवैया है हाँ। मंगल पांडे सब जानते हैं मेरठ मंगल पांडे के नाम से जानते स्वतंत्रता के प्रथम आंदोलन के रूप में वहाँ के एक मित्र है मोर ऋषभ देव शर्मा ओहर कई सापन जो बात सुना था तेला लिखा काबा नहीं लिख दो हाँ। तो लिखे के शुरू करें तो एक किताब बन गई तो किताब बन गई तो ये केवल पांचवी तक के अपन उतियाइल कथा है अच्छा। बाद में फिर है फिर मैं अभी कल पांचवी कक्षा 10 साल की उम्र तक की बात हुई थी हाँ। फिर थोड़ा सोचें तो 10 से लेकर के आगे 8वीं तक के जो बात है नहीं नहीं वो पांचवी के छुट्टी पांचवी परीक्षा के बाद फिर छुट्टी हुई वो छुट्टी में कई प्रकार के उतियाइल काम करे मैं तो उतियाइल उतियाइल कथा के दूसरा भाग ये है फिर देखें कि एक साल में एक किताब बन गई फिर और लिखे शुरू करें तो फिर बाद में
उत्यायन कथा, मुझे कुछ कहना है, तीसरा भाग ये हो गए है। अच्छा, बाकी हाँ तीन भाग हो गए हैं, चौथा और पांचवा भी मतलब है लिखा गए हैं, अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। अच्छा। लेकिन हमें कॉलेज में रह करके या जहांगीर में रह करके कहाँ सीखे और कैसे उत्यायन करे, कॉलेज में रह के कहाँ पढ़े, कहाँ लिखे, कहाँ सीखे और क्या उत्यायन करे, ये सारी बातों में। बाद में पांचवा भाग है कि पीएचडी करे के बाद जो बेरोजगारी के जीवन है, हर कोई घबरा जाते हैं। हमन तो भाषा विज्ञान और साहित्य वाला हमन के सामने और बहुत बड़ा भयंकर अंधेरा, घोर अंधेरा, कोई कहीं ले कोई रोशनी नहीं, कहीं कोई सहारा नहीं। तो भी उत्यायन पना से मैं चल रहे हैं दिल्ली। अच्छा। और दिल्ली में थोड़ा दो चार उत्यायन करें तो उत्यायन कथा से एक प्रोफेसर प्रभावित हुई। अच्छा। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा कानपुर के रह भैया, लेकिन मोर उत्यायन कथा ला बड़ा पसंद करी उत्यायन बातें ला। अच्छा। बोली रहा तुरा तो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए भाई। हाँ। तो सर कोई रास्ता दिखावा है ना, कोई सहारा देवा ना, कोई रास्ता बतावा, तो रास्ता बताइस, मैं वहाँ आवेदन करें, अप्लाई करें। और इंटरव्यू बड़े बड़े आदमी, वीसी, रजिस्ट्रार और कई सारे डॉक्टरेट उपाधि प्रोफेसर, तो मन के सामने थोड़ा घबराहट हुई, लेकिन सफलता मिली। और सफल हो गए तो वहाँ काम करें। हाँ। बाद में फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कर्नाटक राज्य में चलते हैं। हाँ। मोला मैं अच्छा जम के पढ़ाएं और सभी याद करते मोला, सब वो दक्षिण भारत में जौन हिंदी जानते हैं वो सब मोला जानते हैं। अच्छा। तो बाद में फिर ये है कि मोर तीसरा भाग है भाषा सर्वेक्षण, ये कई जगह यूनिवर्सिटी में गई तो कॉपी नहीं मिला थी, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस CIIL भारतीय भाषा संस्थान, वहाँ एक मित्र है। हाँ। वो कही से ये किताब तो कहीं मिलत नहीं है, तो ये फिर से प्रकाशित कर दे, एक मैं ग्रांट दे देता हूँ। तो ये मोर शोध प्रबंध है, ये पर मोला पीएचडी की उपाधि मिली रविशंकर विश्वविद्यालय से। अच्छा। और 1986 में पहली बार प्रकाशित हुई से, बाद में 2017 में फिर से प्रकाशित हुई से। और तीसरा किताब ये जबरदस्त है, बड़का दाई। हाँ। बड़का दाई ही समझे कि मतलब मोला आगे बढ़ाए खातिर सब प्रकार से योगदान दीस। और यही है कि जब कथा सुने रानी लक्ष्मीबाई के, रानी दुर्गावती के और रानी कित्तूर चन्नम्मा के, तो मन करिस कि ऐसा तो हमार बड़का दाई रिस और उकर जीवन में थोड़ा सा और मोर ये पांचों खंड में उकर। हाँ। उकर सब जगह उकर समावेश है, सब जगह उकर चर्चा है, तो मैं बोले एक ठन उपन्यास देहू लागत है, तो उकर कथा अलग अलग कर दें, देखो उपन्यास बन गए पढ़ के मजा आते। एक जन पढ़िया लड़का पढ़ी से ला, तो बोले मैं एमफिल कर लूँगा, तो बोले कर ले भाई। एक जन है कहीं से कर छत्तीसगढ़ी में, पूरा छत्तीसगढ़ी, आधा छत्तीसगढ़ी है, बातचीत छत्तीसगढ़ी में है। अच्छा। बाकी जो कथोपकथन है जो पूरा गांव के ही बारे में बताया, पूरा गांव, कोरबी गांव। हाँ। कोरबी गांव में घर आंगन। हाँ। और कोलाबारी। अच्छा। और गली, बस तीन जगह है, तीनों जगह वो बड़का दाई के रहना बसना, तीनों गली में तो झाड़ू लगाते हैं, आंगन में तो वो कहना चाहिए का चूल्हा बनावत है, माटी में सने हुए हाथ है, या फिर वो अंगाकर रोटी बनावत है ना, और यदि कहीं है तो गोबर आंगन करत है, बस इतने करत है वो। और इतने करते करते रानी लक्ष्मीबाई असंत, गांव के अशिक्षा, गांव के गरीबी, गांव के बेरोजगारी, गांव के अव्यवस्था, गांव की गौटियाई, सबके विरोध करते हो। अच्छा। एक ओकर हाथ में तलवार नहीं, ओकर हाथ में बंदूक नहीं, ओकर हाथ में तोप नहीं, लेकिन एक टेनपा है, टेनपा ठेंगा। हाँ, हाँ, और ठेंगा से ही ऐसा काम करते हैं जेकर कारण हो रहा, मैं रानी लक्ष्मीबाई कहता हूँ। और उपन्यास के अंत में वो गीत है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जैसे कि अभी आप मन अपन बताया है प्रकाशित हो पुस्तक के बारे में, तो ये सब पुस्तक मन जिन विश्वविद्यालय वहाँ भी मिल जाते हैं। हाँ हाँ, ये किताब विश्वविद्यालय में सब जगह, सभी विश्वविद्यालय में, सभी बड़े बड़े लाइब्रेरी में है। हाँ। जहाँ पढ़ाई लेकर मन है वो सब जगह मिलते हैं। बाकी ये किताब मन वैभव प्रकाशन रायपुर ओकर। हाँ। यहाँ मिलते हैं। अच्छा। वो एकर वितरक है, वो एक प्रकाशक है, दो तीन किताबों और छापत है, और एक किताब कानपुर ले छपत है, और एक किताब दिल्ली से छपत है, वो मैंने। अच्छा। एक महीना में छप जाएगी, तो ये सब किताब वो वैभव प्रकाशन रायपुर से मिलेगी। अच्छा। तो गोहे जी, जैसे कि आप मन हवा बताया है कि आप बड़का दाई के ऊपर समीक्षा करें, हवा पर समीक्षा करें, हाँ, तो आप मन कैसे लगी से एक समाज के रूप में आप मन देखे हो हाला? बड़का दाई उपन्यास, जैसे कि मैंने कहा था कि एक समीक्षक की दृष्टि उपन्यास की कथा पर ही नहीं होता है, उसकी भाषा, शिल्प और उसकी जो कथा वस्तु क्या है, वो युगीन परिस्थितियों पर कितना सटीक बैठने वाला उपन्यास है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि कबीलाई संस्कृति से जैसे समाज विकसित हो रहा है, और उसके बाद में उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में सभ्यता विकसित होते जा रही है, धीरे धीरे व्यापार और व्यवसाय भी वन गांव तक पहुंच रहे हैं,
एक इसमें एक बड़ी चीज आती है कि अंग्रेज जब हमारे देश में आते हैं तो अंग्रेजी राज कैसा राज रहता है उसके ऊपर भी इन्होंने बनगवा राज के बाद में अंग्रेजी राज व्यवस्था को दिखाने की कोशिश की है। और उसके बाद में जैसे जमींदारी व्यवस्था के रूप में हमारा देश अलग तरह से एक लगान वसूलना ये करना ये सब जमींदारों का काम, तो यहाँ पर भी गौटिया राज दिखता है। और जैसे कि लेखक का अपना गांव है कोरबी और गांव से सबको विशेष स्नेह रहता है, तो इन्होंने कोरबी शीर्षक से भी एक अपना एक अलग अध्याय रखा है। और उपन्यास लगातार बढ़ते 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 आधे उपन्यास तक सब युगीन परिस्थितियाँ, गाँव की परिस्थितियाँ, किसान की जीवन की कथाएँ, हम सामान्य तौर पर किसान जीवन में गोदान को एक बड़ा उपन्यास मानते हैं, ग्रामीण सभ्यता और उन पहचान के लिए जाति विमर्श के लिए हम मैलांचल को मानते हैं। लेकिन मैं जब छत्तीसगढ़ में आया तो मैंने इनका उपन्यास अभी जो 2017 में प्रकाशित हुआ इसको भी पढ़ा, और जब मुझे ये इसकी धारा इतनी प्रवाहित होने वाली धारा है अध्ययन की कि ये कभी छोड़ने का मन नहीं करता है, तो मेरी दृष्टि में ये उपन्यास बेहद पठनीय, संग्रहणीय और प्रासंगिक उपन्यास है। ये साहित्य जगत के सभी लोगों को इसको एक बार पढ़ना चाहिए जिसने भी गोदान और मैला आचर पढ़ा है, या रेणु और प्रेमचंद को जिसने गांव के साहित्यकार के रूप में पढ़ा है, आप सभी को एक बार बड़कादाई एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और आपको विशेष करके छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर के जो उपन्यास लिखा है, वन संपदा को लेकर के, यहाँ की युगीन परिस्थितियों को लेकर के, और एक जैसे कि कथाकार का खुद का भी इस पर जो अपना मत है वो ये है कि विधवा एक स्त्री के जीवन में कितने संघर्ष हैं, कई उसको अपनी अपनी तरफ प्रलोभन देकर के या लूटना चाहते हैं या षड्यंत्र से लूटना चाहते हैं, वो अपनी वीरता को लेकर के मजबूत है, उसके हाथ में भले ही तलवार नहीं है भाला नहीं है, लेकिन वो गांव में जो टेंपा या लट होता है वो टेंपा उखाड़ करके और युद्ध के लिए आगे बढ़ जाती है, और वो किसी को भी अपनी सत्ता को छीनने नहीं देना चाहती, अपनी अस्मिता को बरकरार रखना चाहती है। तो इस दृष्टि से भी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो एखर साथ साथ आप मन हाउ कौन कौन सा रचना है उखर समीक्षा करे हवा? इनकी तो अभी मैंने बड़कादाई की ही समीक्षा कर पाया हूँ, और इनकी जो आत्मकथात्मक उपन्यास इनकी जो सीरीज चल रही है अभी, मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा आ जाए एक बार, तो इस पर एक बार समग्र समीक्षा करके उस पर मैं बाद में बात करूँगा, कुछ बात के लिए भी रहना चाहिए। और उपन्यास पर भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि पाठक इसको खुद पढ़े और वो खुद निर्धारित करें, क्योंकि प्रत्येक पाठक एक आलोचक होता है, उसमें खुद विवेचना करने की क्षमता होती है, तो वो खुद भी अपना इसको पढ़े और देखें कि साहित्य जगत में ये कितना प्रासंगिक उपन्यास है। जी बहुत अच्छा लगी से आप मन तिर बात करके, और बड़कादाई जिन उपन्यास के बारे में अपन बताया है वाला सुन के भी बहुत अच्छा लगी से, मैं खुद भी चाहा था मैं पढ़ाऊँ, और ऐसे लगा था कि समाज के बारे में जिन है बारे में बहुत कम चीज़ ही जान पाए हैं अभी तक, तो ऐसा लगते कि ऐसा साहित्य ला जिन अभी तक बरकरार रखे हवा आप मन हवा, तो ये साहित्य ला लोगन मतलब पढ़ना भी चाहिए और एक बारे में समझना भी चाहिए। तो एक साथ ही अभी हमने एक छोटे से ब्रेक पर फिर से रुका था, और ब्रेक के बाद कहूँ जन जहाँ अभी हम फिर बात करबो साहित्य में, तो देखा था अभी न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। ब्रेक के बाद आप मन के एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम हमर पहुनामा। तो हमर पहुनामा हम बात करते रहे हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्य के बारे में कि छत्तीसगढ़ में साहित्य के का महत्व है, तो आवा फिर से जुड़थन हमारे साहित्यकार की रन और बात करथन। तो सर जैसे कि आपने बताया है कि छत्तीसगढ़ में साहित्य है के बारे में कि छत्तीसगढ़ में जिन लोगन मन अभी जिन साहित्य से नहीं जुड़ पावा थे वह और थोड़ा सा उखर से दूर हो जाते, तो उखर लिए आप मन का बताना चाह कि छत्तीसगढ़ से उमन कैसे मतलब जुड़ सका थे वह, तो उखर लिए कुछ बताओ हर दर्शक।
वैसे छत्तीसगढ़ी भाषा में और छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे किताब लिखे गए हैं, लेकिन वो पढ़वैया मन तक नहीं पहुंच पाते हैं, या जो पढ़वैया है वो मन वहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी मैं प्रयास ये करना है कि आजकल जैसे कॉलेज जाथन या कोई यूनिवर्सिटी जाथन तो वहाँ की सूची देखें मैं, वो सब साहित्य मिल जाते हैं। और पढ़े की रुचि पढ़ना बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही सुखद काम है, और अच्छा और सुखद के लिए तो हम सब जीवात्मा तो जीने में अच्छा ही हवा है। पढ़े में बड़ा सुख मिलते हैं, और अपन दृष्टि होना चाहिए कि पढ़े से अच्छा कार्य कोई नहीं हो। सभी विद्वान मन जो सफल आदमी है सबके कहना है कि यदि अगर तोर साथी किताब है तो तोला और ककरो जरूरत नहीं है। हाँ। तो सबसे उत्तम साथी है तो किताब, सबसे उत्तम कार्य है तो लिखाई, और सबसे उत्तम बात है तो अपन अपन भाषा। काबे कि संसार के जितना भी सफल लेखक कवि या कहानीकार हवे वो सब अपन अपन मातृभाषा में लिखते हैं। ककरो मातृभाषा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के पूरे दुनिया में राज है, ककरो भाषा कन्नड़ है तो कन्नड़ राज्य तक ओकर भाषा है, ककरो भाषा हिंदी है तो हिंदी तो ककरो भाषा कहना वो है, सबके अपन अपन बोली है। अभी भारतवर्ष में 1652 बोली है और सभी अपन अपन बोली में पहले लिखते हैं, बाद में जब हमन शहर में आथन तो अपन बोली के महत्व ले जानथन, और अपन बोली में जब बोलथन तो आज अमेरिका घरों में हमार बोली के बोलने वाला है, वहाँ हमार बोली के सुनने वाला है। तीजन भाई को उदाहरण लेवो ना, तीजन भाई अगर हिंदी में गाना गातीस तो गाना तो मुंबई तक रह जातीस, लेकिन छत्तीसगढ़ी में गाना गाते वो तो कर चलते पूरे दुनिया में वो गाना गालीस, पंडवानी सभी जानते पूरे संसार में। तो इस तरह से आपन बोली के महत्व पहले समझना चाहिए, और आपन बोली में ही आपन हृदय के भाव, दिल के भाव, और एक इंसानियत के भाव, और सब मतलब भाव है तो मनुष्य है। भावना सुन आदमी आदमी नहीं कहे जाए, तो भावना से आदमी है, तो भावना के जो प्रकट है वो अपन भाषा में ही होते। अब अपन भाषा की इज्जत करो, अपन आप की इज्जत करो, अपन बोली की इज्जत करो, अपन समाज की इज्जत करो, अपन परिवार की इज्जत करो, अपन जात की इज्जत करो, अपन राज की इज्जत करो, जो लेकर इज्जत करिए वो सभी ऊपर कोई प्रश्न नहीं है। तो आपन बहुत सही कहे हवा, और जैसे कि सर आपने हमें बतावा कि जन युवा पीढ़ी अभी के जन है तो मन छत्तीसगढ़ी सर साहित्य है उखर से दूर हुआ जाते तो मन कैसे मतलब छत्तीसगढ़ी जो साहित्य है उखर से कैसे जोड़ सकते। जैसा कि यहाँ के युवा अपने छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर के लिखे जाने वाले साहित्य से दूर होते जा रहे हैं, यही आप बोल। तो मैं सबसे पहले मुझे यहीं के कवि जिनका नाम है पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, वो एक कविता सुनाते हैं कि एक प्रकरण है कि होटल में कोई मुंगा को चम्मच से ऐसे खा रहा है, तो उस पर वो एक कविता सुनाते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ी ला भूल जा लेकिन मुंगा ला चूसे ला मत भूल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं की भी एक जो क्रांति अस्मिता है वो वहाँ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम करती है, और छत्तीसगढ़ी अस्मिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर साहित्य बहुत समृद्ध रहा है। हाँ। है ना, जिसमें बड़े बड़े नाम है, हेलो शायद ये दृष्टि से छत्तीसगढ़ भी बहुत समृद्ध है, लेकिन जैसे कि हमारे युवा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ी साहित्य अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं पर भी तो कई ब्लॉग्स बने हुए हैं, और गद्य कोश और कविता कोश तो है ही, इस पर आपको समस्त साहित्य लिखा हुआ मिलता है, और आपको वहाँ पर भी देखना चाहिए, रचनाओं को वहाँ पर देखना चाहिए, और अपनी अस्मिता से दूर जाकर के आपका विकास कहीं नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जड़ों में जब तक पानी नहीं मिलेगा पेड़ कभी भी प्रभावित नहीं होगा, इसलिए आपको सबसे पहले अपनी छत्तीसगढ़ी अस्मिता का लेखन को ध्यान में लेकर के उसका भी प्रथम प्रथम देना चाहिए। सर इधर मैं अभी थोड़ा सा फोन आवा थे वह दर्शक मन के शायद उन्होंने कुछ जानना चाहते वह तो थोड़ा सा खड़ी मन की बातचीत कर लेते हैं। हेलो हेलो हाँ आप मन हवा अभी कॉल करे हवा तो कहाँ से हवा आप मन? मैं रतनपुर ले राहुल साहू बोला था। अच्छा हाँ तो कुछ बात करना चाहता हुआ हमारे साहित्यकार मंदिर जी, कहा बोला? हेलो, मेरा आवाज आ रही है?
हाँ हाँ आज है क्या बोले है जरा बोलिए आप मन हवा साहित्यकार मंत्री जुड़े पर बात करें फोन लगाए हवा हाँ मैं कल फोन लगा हूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य लिखे हाँ और मोला प्लेटफॉर्म नहीं मिला थे तो कैसे मैं अपन साहित्य मन ला आम जनता तक पहुँचा हाँ कैसे मन जानी कैसे मोला पढ़े मिली हाँ, अभी डॉक्टर गोहे हम बताई थे कि ये मीडिया है 36 न्यूज़ 36 ये वन मुख्यालय में आके मिला और अच्छी बात है तो पूरा संसार उसका स्वागत करे हाँ। अच्छी बात हाँ। है और गपड़बाजी तो आपस में गपबाजी करने का है तो अच्छी बात यदि है आप पहले विश्वास कर ले हो बहुत अच्छी बात है हाँ। मानव समाज के लिए मानव हित के लिए छत्तीसगढ़ हित के लिए तो रास्ता सब निकाली और उसका स्वागत चले करी ठीक है हेलो नहीं एक तो कहना चाहिए यही मीडिया है और प्रकाशन है तो प्रकाशक के यहाँ वो वैभव प्रकाशन अमीन पारा चौक पुरानी बस्ती रायपुर हाँ। वहाँ जाके संपर्क करो और ये मीडिया है तो मीडिया में न्यूज़ 36 एक मुख्यालय में आके मिलो ये रास्ता ही है निकली जी बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के आप मन हमारे दर्शक ला बताया हवा तो जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ साहित्य है वह उखर से थोड़ा सा युवा मन दूर हो जाते हैं उखर बारे में सर बताई से हम ला तो अभी जन युवा साहित्यकार जन अभी उभर के आते हुए वो मतलब अपन लेखनी में का सावधानी बरतना चाहिए ओखर बारे में अपन का बताना चाहता देखिए पहले तो हृदय में अच्छी बात हो और लगे कि हम जो कहना चाहते हैं मानव समाज पर उपयोगी है मानव समाज के सही बात सच्चे भाव और कहना चाहिए हर आदमी अच्छा दिखे हर आदमी के मन में अच्छे भाव आए और हर आदमी अच्छा काम करे और पूरा संसार ओला देखना चाहिए संसार के लिए सब के मतलब मैं बड़का दाई जो लिखे हों वो एक विधवा नारी जेकर समाज में घर में कोई स्थान नहीं है ओकर मन में चेतना इस कैसे कैसे हो सकते हाँ। मैं भी समाज के मानव समाज के घर के अंग हूँ बोला कुछ करना है कुछ करने के नाम पे इतना कुछ करत गई इतना कुछ करत गई कि पूरे गांव में बड़कादाई के नाम पे प्रसिद्ध है आज ओकर बारे से लिख दे तो पूरा साहित्य जगत में बड़कादाई हुआ थे हाँ। है ना तो इस तरह से अच्छी बात है तो ओकर स्वागत सभी करते हैं और मानव समाज हमेशा सक्रिय समाज है अच्छा की तरफ जाना है अच्छा की तरफ सब ले जाना है बुराई से भागना है तो अच्छी बात है तो आगे बढ़ो सभी पीछे पीछे आई हाँ हाँ तो जैसे कि मतलब लेखनी में का सावधानी रखना चाहिए अगर कोई साहित्य लिखा हाँ, हाँ, लिखे में तो है कि छत्तीसगढ़ी के अभी भाषा के मानकीकरण नहीं है और मानकीकरण के प्रयास चलत है वहाँ हाँ, रायपुर में तो मानक भाषा में लिखना जरूरी है तो मानक भाषा का मतलब पढ़ाई के भाषा हाँ, लिखाई के भाषा तो पढ़ाई के भाषा क्या है वो तो पढ़ के ही जाने जा सकते हैं लिखाई के भाषा क्या है वो पढ़ के मतलब जो किताब हवा है लिखे हुए है वहाँ प्रकाशित है रायपुर से वो किताब ला पढ़ना चाहिए पढ़े के बाद ही लिखना संभव है हाँ। काव्य की लेखक कवि तो गली गली में है समय हाँ। सब लिखत है कुछ भी उल्टा सीधा और कई अनर्गल प्रलाप के नाम पे जाने जाते अनर्गल नहीं होना चाहिए हाँ। खुद ला सोचो ये समाज के हित में है देश के हित में है वो बात ला लेकिन लिखे का तरीका एक मानक रूप काबर की जो हिंदी कर्नाटक में लिखते हैं दिल्ली में लिखते हैं उत्तर प्रदेश में लिखते हैं सब हिंदी के एक रूप है मानक रूप है वो मानक रूप में यदि लिखाई होते तो कर पढ़ने वाला आज भी है और गलत सलत सब लिखते हैं तो गलत सलत तो कूड़ा में डाल दिए जाते हैं हाँ। सही लिखो मानक भाषा के ज्ञान होना चाहिए और मानक भाषा है तो सब पढ़े मजा आते हैं तो इस तरह से मानक भाषा को समझना चाहिए चाहे छत्तीसगढ़ी की मानक भाषा हो मानक रूप हो मानक लेख हो मानक वर्तनी हो हाँ। चाहे हिंदी के जो मानक में लिखे वो पब्लिसिटी प्रकाशन होना जरूरी तो बिल्कुल सरल है आसान है अच्छा तो आपने बहुत अच्छा बताया हवा कि कैसे इंसान जिसे साहित्य माना चाहते तो मन कैसे साहित्य में का मन ला सावधानी बरतना चाहिए का ध्यान दे के लिखना चाहिए बारे में आपने बताया हवा अगर हाँ हाँ अगर
कविता लिखना है तो हाइकू सबसे बढ़िया आजकल है, वो पांच अक्षर नहीं पांच व्यंजन पहले, फिर सात व्यंजन, फिर पांच व्यंजन, इस तरह से कुल 17 व्यंजन में एक हाइकू बन जाते हैं। अच्छा। और यदि कहानी लिखना है तो लघु कथा के जमाना है, बस आधा पेज में कथा पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा। और यदि उपन्यास लिखना है तो 125-150 पेज के जमाना है। और भाषा और शैली सबसे बड़ी चीज है, भाषा पात्र की भाषा होना चाहिए। हाँ। और शैली आजकल जल्दबाजी की शैली है, तो जल्दबाजी में जल्दबाजी की शैली, तो जैसे हाइकू कविता में है वैसा ही जल्दबाजी की शैली में एकदम बढ़िया बढ़िया भाषा में, मस्त भाषा में लिखे, तो सभी सभी पढ़ते हैं आजकल। हाँ। तो मूलत सभी पढ़िया नजर आते हैं, सभी पढ़िया नजर आते हैं। हाँ। और जो पढ़िया है वो एक दिन लिखैया बन जाते हैं, और लिखैया आजकल कहना चाहिए कि वो है क्या बोलते हैं लतीफा। हाँ। गब्बा जी बहुत सब गली गली में लिखा था, गली गली पूरी दुनिया में सब, और भारत में तो और सबसे बढ़िया लिखैया है, सबसे ज्यादा लिखैया है, सभी के पास लिखे के समय हवा है, सभी लिखते हैं और सभी के लिखना आगे बढ़ जाते हैं, बस अच्छा होना चाहिए, अच्छा। हाँ, अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छा होना चाहिए मानव हित में, समाज हित में, तो, देश हित में। हाँ, आप बहुत अच्छा बताए हवा हम अल्लाह। और जैसे कि सर कुछ लोगन मन हाँ मतलब बोलते हैं कि हमारे तो कहीं मिलत नहीं है पुस्तक, हमन कैसे पढ़ी, या छत्तीसगढ़ी जन भाषा है वह ओला लोगन मन हाँ कहाँ से परचेस कर सकते हैं, मतलब उम्र लम मिल सकते हैं, उखर बारे में कुछ दर्शक मतलब बताओ आप। भाषा छत्तीसगढ़ी बोली पर जो केंद्रित चीज़ें हैं। हाँ। वो कई ब्लॉग्स पर है जिसमें छत्तीसगढ़ के नाम से उनका प्रकाशन हुआ है, और आप इंटरनेट का समय है ये है ना, अभी फेसबुक व्हाट्सएप का समय है। हाँ। तो सोशल मीडिया के कई माध्यम हैं जिनमें छत्तीसगढ़ी साहित्य को बहुत प्रसारित किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर के बड़े बड़े लोगों ने अमेरिका जैसे पद्मश्री दुबे की मैं बात कर रहा था। हाँ। दुबे जी की, उन्होंने अमेरिका में, या तीजन भाई की बात करें उन्होंने कई देशों में अपने छत्तीसगढ़ी अस्मिता को रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। तो साहित्य अनुपलब्ध है ऐसा नहीं है, बस। हाँ। आपको खोजने के माध्यम बदल गए हैं, और ये लेखकों को भी चाहिए कि जो पुराने माध्यमों का ही प्रयोग कर रहे हैं उनको भी नए माध्यमों की तरफ आना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ तकनीक और सारी चीज़ें भी बदल जाती है। हाँ। तो हमको सोशल मीडिया की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और नए माध्यमों का भी प्रयोग करना शुरू करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के, और संगवारी हो जितना अच्छा जानकारी आप मतलब मिली से वह हमार साहित्यकार मन के माध्यम से, तो एक लाभ उठावा आपो मन हवा, और हम हमारा धन्यवाद देत हवन के आप मन इतना कीमती समय निकाल के आप मन हमारे साथ जुड़े हवा, तो खाले बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जात जात एक मिनट जात जात मैं एक बात कहा था। हाँ। आजकल दुनिया के सबसे ऊंची जगह है दुबई। हाँ। पूरी दुनिया में, और भारतवर्ष में सबसे ऊंची जगह है मुंबई। तो एक मैं कविता लिखे हूँ, ए भाई कहाँ जावे, दुबई कृष्ण नगरी डुबगे रे डुबगे खेले लागिस, सच्ची डुबगे वो बचावा न कहिस, बाची दो भाई। हाँ। एक पूरब एक पश्चिम भागिस और कोनो नहीं, दिशा अनंत गोड़मा हो गए फोड़ा, दिखे ना कोनो कोई दे पानी खाना ओ चिल्लाइस, कोनो नहीं पीछू कोनो नहीं आगू, रेगिस्तान है हर भूख लागिस अब का करवे, रेत खाले राजा कौन देखी, प्यास लागिस रेत पीले राजा कौन देखी, ओहू ल जीना अब का करही ओ न कोई पाछू, पानी रे पानी खारा है समुद्र, पीना पीना है तो पी, सड़े सड़े है सड़े पड़े हैं गिद्ध के छूटे जूठा, खाना है तो खा, मुंबई पूरा भागिस थोड़े दूरिया में माया नगरी, मिलिस ओला करना है नाटक अब तो ओला, खाना नाटक पीना घलो नाटक ओला करना, दूरिया तक हरियाली छावत कोनो ना कोई कोनो ना कमी, प्यारा भारत गावत है सबोजन झूम झूम के, पड़े पड़े ओ भागम भाग कहाँ, सबे कुछ है जेती देखवे ममता के आंचल धरा लुटा थे, कोनो न मेटे संभल जा रे भाई वैश्विक नर, झरत पानी बहते आघू आघू जेती ला देखा, घर घर में खुशी भरे अंगना बचावा ओला। तो इस प्रकार से ये
हाइकु के शैली में लिखे हावे और एक लिए हाइकु के पढ़ाई भी ऐसे होगी, इमा कोई चौपाई नहीं, कोई दोहा नहीं। आजकल ये बहुत लिखना सरल है और एक बार सुने के बाद, दो बार सुने के बाद सभी लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ, और खूब लिखत जाते हैं, मैं बड़ा अच्छा मजा आता है आप मन के कहानी जो सुन के, मतलब कविता जिन आप मन बोले हवा बहुत ही सुघर लगी से वह। और आशा करबो कि हमारे दर्शक मन भी बहुत अच्छा लगी सो ही। तो एक साथ ही अब हम आप मन तिर विदा लेव और आप मन के एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप मन हमारे साथ आया, आपने हमको यहाँ पर बुलाया और साहित्य पर एक परिचर्चा करने का, एक साहित्यकार को प्रस्तुत करने का और विमर्श की दृष्टि से मुझे समीक्षक के रूप में आपने यहाँ पर न्यूज़ 36 ने यहाँ पर आमंत्रित किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि मैं समीक्षक की दृष्टि से बड़का राय उपन्यास की बड़ी सराहना करता हूँ और सबको पढ़ने के लिए एक अपनी तरफ से एक सुझाव देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद न्यूज़ 36 को। धन्यवाद।